मेरा नाम कुलसूम हज़ारा है और मैं कराटे करती हूँ और मैं हज़ारा कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ। मैं क्वेटा में पैदा हुई। मैं जहाँ पर रहती थी वो कोई बड़ा एरिया नहीं था, छोटा सा था और साइड्स पे पहाड़ थे। मैं टॉम बॉय टाइप थी। मैं कंचे खेलती थी, जिसको हम लोग अपने पर्शियन में पोटली कहते हैं, मैं उसके साथ खेलती थी लड़कों के साथ। मैं 7 ईयर्स की थी जब मेरे अबू की डेथ हो गई। मेरे जो ब्रो इन लॉ थे उनका नाम था सरवर अली, उनके साथ रहने लगे, कराटे मास्टर थे। लेकिन जो मेरे बहनोई थे वो हमेशा मुझे ये फील नहीं होने देते थे कि मेरे पेरेंट्स नहीं है या मैं अकेली हूँ। वो मुझे कुछ खिलौना टाइप या कुछ भी ला के दे देते थे। जो मुझे याद है, जो मैंने सही तरह कराटे स्टार्ट किया था, मैं घर में थी और कोई एक्शन कार्टून टाइप इस तरह थी, तो मेरे बहनोई भी ट्रेनिंग करके आए थे क्लब से, तो मेरी तरफ देखने लगे कि तुम लड़की हो के ये चीज़ें देख रही हो। मैंने कहा हाँ मुझे अच्छा लग रहा है वो। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा करो तुम भी कराटे सीखो, और स्पेशली लड़कियों के लिए, और हालात भी ठीक नहीं है, एटलीस्ट तुम अपना सेल्फ डिफेंस तो कर सको। इस तरह फिर मैंने स्टार्ट किया। जब मैंने फर्स्ट टाइम कराटे किट पहना और मैं क्लब में इंटर हुई, वहाँ पे कोई भी लड़की नहीं थी। मुझे बहुत अजीब फील हो रही थी कि मैं इनके बीच में कैसे कराटे करूँ। तो सारे लड़के मेरे ऊपर हंस रहे थे कि इसको देखो लड़की आई है कराटे सीखने, और डर भी लग रही थी कि कोई मुझे मारे ना इस तरह। तो बहनों इनको डांटते थे, तो जाहिर है वो मास्टर जी थे तो सब उनके सामने चुप हो जाते थे। जब मैं कराटे करने जाती थी तो रास्ते में लड़के जो बाहर गली वगैरह में बैठे होते थे वो मुझे छेड़ते थे। फिर दूसरे लड़के इसको कहते थे इसको शाउट मत करो, ये तो कराटे वाली लड़की है, ये आके पंच मारेगी। फिर आपस में हंसते थे। सम टाइम मैं रोती भी थी कि आके घर में कि मैं अब नहीं करूँगी कराटे, सारे लड़के मुझे गली में छेड़ते हैं ये। तो बहन भी कहते तुम इस चीज़ को अवॉइड करो, क्यों इनकी तरफ ध्यान देते हो, ऐसा करो तुम ट्रेनिंग करो, तुम कराटे में इतनी बेस्ट हो जाओ कि वो तुम्हें जब वो देखे तो वो तुम पे फ़ख्र करे। फिर एक नेशनल हुई हमारे इस्लामाबाद में, तो उसमें मेरे बहनोई मेरे साथ गए थे। मैंने उसके साथ फ़ाइट की और मैंने उसको ऐसे इतना ज़ोर से पंच मारा उसकी सांस रुक गई और वो वहीं गिर गई, और रेफरीज आके उसको देख रहे थे, डॉक्टर आके उसको चेक कर रहे थे। तो मेरे बहनोई बाद में मुझे देख के स्माइल कर रहे थे कि देखो कुलसूम तुमने कर दिया ना। मुझे अपने फाइट विन करने की इतनी खुशी नहीं थी जितनी ये थी कि मैंने अपनी बहनोई का विश पूरा किया। 2005 में मेरे बहनोई सरवर अली टारगेट हुए। जब मुझे उनका न्यूज़ मिला तो एक रात में पूरे हॉस्पिटल में रही, मैं होश में भी नहीं, मैं बेहोश रही थी। ना सिर्फ मैं रो रही थी, हमारे मोहल्ले के सारे लोग, सब हमारे घर आए हुए थे, सब रो रहे थे, सब उनको याद कर रहे थे। बाद में बहुत प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से हमें क्लब बंद करना पड़ा। मेरे बहनोई के डेथ के 2 मंथ्स बाद मुझे पाकिस्तान टीम से कॉल आई। उन्होंने मुझे पाकिस्तान कैंप के लिए बुलाया लाहौर में। मैं बिल्कुल एक आइसोलेट होकर रह गई थी एक साइड पे। मैं हमेशा उनको याद करके रोती थी। फिर मेरे साथ उस वक्त मेरी सीनियर थी महजबीन, तो वो मुझे कहते थे कुलसूम तो तुम ऐसा करो तुम ट्रेनिंग करो, तुम कराटे में इतनी बेस्ट हो जाओ कि वो तुम पे फ़ख्र करे। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं फ़र्स्ट टाइम इंडिया गई थी इंटरनेशनल टूर्नामेंट के लिए, और इवन फाइट करने से पहले मुझे बहुत रोना आ रहा था कि मैं कैसे जाके फ़ाइट करूं। उस लम्हे मेरे जहन में इतने सारे जज्बात थे कि मैं ठीक से ध्यान भी नहीं दे पा रही थी, लेकिन फिर भी मैंने अपने बहनोई का सोचा और उनके ख्वाब को सोचा कि मैं इंटरनेशनल चैम्पियन बनूं। फिर इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो फ़ाइट विन किया और मैंने गोल्ड मेडल जीता। जब मैं वापस क्वेटा गई, काफ़ी लड़की आके मुझसे मिलते थे, कहते थे कुलसूम हम आप जैसा बनना चाहते हैं, आपकी परफॉर्मेंस की वजह से और आपकी पर्सनैलिटी को देख के मेरे पेरेंट्स ने मुझे परमिशन दिया है और हम लोग भी इस फील्ड में आएंगे। पर्सनली मुझे बहुत खुशी होती है कि उनकी सोच को मैंने चेंज किया, उनके लिए मैं एग्जाम्पल बन गई। कराटे ने मुझे जज्बा और हिम्मत दी। मुझे ये सिखाया इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ से हूँ, कहाँ से बिलोंग करती हूँ या मैं कौन हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे कोई मेरे अज़म से रोक नहीं सकता।